छोटे वे भैया ने मेरे को डांस सिखाया था 15 अगस्त में, इसी टाइम पे। और अब 15 अगस्त आने वाला है, तो मैं भैया को यही बता रही थी कि आपने मुझे डांस सिखाया था इतना प्यारा। फिर तब से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं हमेशा डांस करती हूँ हर एक प्रोग्राम में। बच्चे स्टेज नहीं छोड़ते हैं और ना ही स्टेज से डरते हैं। सारी दिनचर्या समाप्त करने के बाद अब हम कर रहे हैं डिनर। मौसी भी साथ में बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं और पनीर हो रहा है अथा टेस्टी। रंग देख के भी समझ रहे होंगे वो जो टमाटर की खटाई आती है वो वाला पनीर वाला, मतलब वो वाला टेस्ट है पनीर का। अच्छा आपने बनाया। भाई हमारी आदरणीय मौसी जी जो नजर आ रही हैं सामने, कल राखी का त्योहार है और इनके लगेगी मेहंदी अभी। ये लगाई है हमने। और बीच में क्या लिखा है मौसी? ये है मौसी, हाँ मैं ही बता लूं दी। और ये देखो ये भी हमने बनाया है मौसी। एक दांत से करो, फिर से करो। तौबा तौबा। अभी लगा लूं एक हाथ में। क्या डिजाइन बनाया है मम्मी के हाथ में? मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ये देखो यार कितना प्यारा था। ऐसे लग रहे फ्लैग्स हैं वो वाले, नहीं होते जो मसूरी वसूरी जाके बाइकर्स जाते हैं तो उनके झंडों की एक वो टंगी रहती है। तूने तो गजब ही बना रखा है। जब ये पता आर्टिस्ट का बहुत बड़ी बढ़िया तो लग रहा है मासी को। मुझे मीनू की मेहंदी लगानी है बस। ये देखो ये मेरा डिजाइन है, ये मैंने लगाया है। मम्मी आई एम सॉरी, आपके मैंने कुछ और झंडे बना दिए। हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्कार, यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्य। वीडियो को एंड तक देखें, आज रक्षाबंधन का ब्लॉग हम करने वाले हैं। मैं रेडी हूँ, बाकी लोग भी हो रहे हैं धीरे-धीरे। हमारे बाना जी भी रेडी हो गए हैं, अब मतलब ये हो रहे हैं, शुरू हो रखा है मामला। पर एक बार हाथ दिखा दो अपना जिस पे मैंने लगाई थी मेहंदी। चलो इसको हटाओ, ये आपने लगाया था, ये दिखाओ। ये वाला देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मैंने लगाया ये। अच्छा लगा आपको ये वाली, है ना? अरे हेलो यार मौसी। मौसी भी रेडी हो गई। तो जी बांध दे यार ढंग से। चलो बांधो बस। थैंक यू। हाँ ये गेट तो बंद करो। हाँ ठीक है, खा लेंगे। मम्मी लोग को मैंने अभी अभी मामा के यहाँ छोड़ा है और अभी मैं जा रहा हूँ घर। अपनी वाइफ को भी
साले साहब के पास छोड़ेंगे, क्योंकि सागर साहब जो है दिल्ली से आ गए हैं। मैं घर आया हूँ अभी मीनू को लेने के लिए। यहाँ राखियाँ ही राखियाँ हो रखी हैं, देखिए राखी हैं, ये भी राखी हैं। चलिए पहले दमू आप बांध दीजिए। इनका नाम है रुचिका और ये है ताऊजी टट्टी। गहरी कैशलेस हो गया इंडिया, गूगल पे कर दे। निक्कू कह रहा है मेरी लिमिट लग गई अकाउंट में। मैं फिर से मीनू को लेके जा ही रहा था, पर ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे वी हैव विद अस, प्लीज वेलकम, देहरादून से बिल्कुल फ्रेश लौटी राशि शाह। ओह माय गॉड, कह रही थी भैया मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे सरप्राइज देना चाह रही थी। मेरे को बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, मुझे पता था कि तेरा 2% का जोक। और ये है प्रवेश, मैं बता रहा था कल परसों, राशि एंड प्रवेश सिस्टर एंड ब्रदर, मामा के बच्चे जिनका मैं हेलमेट लेके गया था। और बताओ हाउ आर यू गाइस, तुम जा रहे हो सिपुर? शिवपुर भी जाना है अभी है? चलिए शुरू करते हैं। अभी ये नमकीन कट गए हैं, वो भी निकाल देते हैं। तो गाइस ऐसा है कि मेरी कम से कम 20 से 25 से 30 बहनें कोटद्वार में रहती है। इतनी बहनें होने के कारण तो मैंने सोचा सबको कुछ ना दिया जाए। अबे जल्दी खा जल। और कांग्रेचुलेशन यार, आज तो यार जो यार भी तेरा। बाय बाय देहरादून वालों। राशि तो पहाड़ी रहेगी हमेशा। अपने घर जा रही हैं, देखिए। काफी देर हो गई हमारी राखियों के चक्कर में, इनकी राखी में। मेरा प्यार। फिसल के उतरती है। इसके पैर नहीं लगते, फिसल के उतरती है। हैप्पी राखी। भैया जी स्माइल। भाई राखी वाकी हो चुकी है, अब सब फोटो सेशन चल रहे हैं यहाँ पर, सब फोटोज खिंचा रहे हैं आपस में। ससुर जी जा रहे हैं कि फोटो के लिए निकर चेंज कर लिया जाए। आज के दिन में लाना ले जाना छोड़ना राखी बंधवाना खाना, मीठा खाना स्पेशली, यही हो रहा है सुबह से। अब जा रहा हूँ मैं शिवपुर छोटे मामा के यहाँ, वहाँ भी सिस्टर्स हैं, वो बेचारी छोटी छोटी हैं तो वो आ नहीं सकती हैं, और पापा भी उनके चंडीगढ़ गए हैं। आओ बहनों, भाई हम पहुँच गए हैं मामा जी के यहाँ, छोटे मामा जी के यहाँ शिवपुर में। अब एक के बाद एक, जैसे ये भर रहा है मामला, ये और भरेगा अभी। आइए प्लीज, दिस इज साक्षी। साक्षी इज टॉल लाइक अ जिराफ, सो आई हैव टू एडजस्ट द कैमरा। ऐसा मुंह क्यों हो रहा है ना, धूप में घूम घूम के। तो
बढ़िया उठे ना, बढ़िया छोटे भैया ने मेरे को डांस सिखाया था 15 अगस्त में इसी टाइम पे, और अब 15 अगस्त आने वाला है तो मैं भैया को यही बता रही थी कि आपने मुझे डांस सिखाया था इतना प्यारा, फिर तब से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं हमेशा डांस करती हूँ हर एक प्रोग्राम में। बच्चे स्टेज नहीं छोड़ते हैं और ना ही स्टेज से डरते हैं। चलो फिर अब चल रहे हैं घर। बाय भैया। बाय भैया। चलिए घर चलते। यार ये रात हो चली है और मैं अभी आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ। आज रक्षाबंधन है, बहुत अच्छा रहा त्यौहार हमारा, बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत मज़ा आया, एंड पूर्णिमा भी आज है तो मैं सिर्फ और सिर्फ चांद का टाइम लैप्स लेने आया हूँ यहाँ पर। और वो कितना खूबसूरत लग रहा है मैं बयां नहीं कर सकता, बट हाँ टाइम लैप्स ले सकते हैं तो शुरू करते हैं।